नमस्ते, मैं हूँ श्रेय सरपदे और मैं आ रहा हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जरूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में, जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड मार्क योर कैलेंडर्स 28 सितंबर 2019 एट मान पैलेस। सी यू ऑल, आई लव यू ऑल। जय हिंद। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच, नई दिशा। प्रोडक्शन पार्टनर न्यू उत्सव एंटरटेनमेंट, बीवरेज पार्टनर अलाइव ड्रिंकिंग वाटर, ग्रूमिंग पार्टनर VLCC इंस्टीट्यूट, फूड पार्टनर द येलो हाउस, हेल्थ पार्टनर अपेक्स हॉस्पिटल, रेडियो पार्टनर रेडियो सिटी, टूर एंड ट्रेवल बाय ड्राइव कार्स, हॉस्पिटलिटी पार्टनर जोन पैलेस बाय द पार्क, वेन्यू पार्टनर मान पैलेस, ब्रांडिंग पार्टनर आउटडोर मीडिया एसोसिएटेड बाय कार्बन PU फुटवेयर, फूडिंग पार्टनर HGM आउटडोर्स, डिजिटल पार्टनर एस मेकर्स एंड द इवेंट इज ऑन एंड मैनेज्ड बाय के। गुड मॉर्निंग ऑल, वेरी गुड। छोटी सी एक्टिविटी आपके सामने होगी और आपको कुछ जवाब देने होंगे और कुछ हमारे साथ में इन्वॉल्व होना होगा इस एक्टिविटी में। तो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा कि मैं पलाश जोशी और मेरी टीम जयपुर से यहाँ पर आए हैं राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2019 की तरफ से, और यहाँ पर हम उन लोगों को मोटिवेट करने आए हैं जो लोग कुछ करना चाहते हैं आर्ट के क्षेत्र में। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल कई सालों से ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा है, ऐसे यूथ और जनरेशन के लिए काम कर रहा है जो कि कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्ट को बढ़ावा देते हैं। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी इज प्रेजेंटेड बाय बीका जी एंड ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2019 पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वे एंड को पावर्ड बाय JK मसाला। आप सभी के सामने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल हम लेकर आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 7th एडिशन है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो अथॉरिटी है, टीचर्स है, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और यहाँ पर मंच देने की हमारा हमसे मंच शेयर किया और यहाँ पर हम लोगों को कॉपरेट कर रहे हैं, उन सभी का थैंक यू, धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति है, हमारा जो हम लोग कर रहे हैं ये खत्म होता जा रहा है, राजस्थानी कल्चर खत्म होता जा रहा है बहुत बड़े लेवल पे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कल्चर, सबसे बड़ी संस्कृति आप सभी के सामने है, लेकिन हम इसे भूलते जा रहे हैं। जब कोई हाड़ौती में या राजस्थानी में बात करता है तो हम उससे कहते हैं कि गाँव का है, राइट? ये राजस्थान है, इसकी धरा है और यहाँ पर बहुत सारे वीर वीरांगनाएं जन्मे हैं, आपने जैसे छोटे छोटे बच्चे जिन लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा नाम कमाया है ना, तो आपको भी इसी तरह से नाम कमाना है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल ऐसे ही शुरुआत करता है, राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देता है, जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको बढ़ावा देता है, मंच देता है और आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों को आगे बढ़ाता है। हर साल हमारा एक राजस्थान फेस्टिवल, जैसे आप आईफा अवार्ड देखते हैं ना, उसी तरह का एक अवार्ड शो होता है जहां पर राजस्थान और इंडिया के कोने कोने से अपनी प्रतिभा को सबमिट किया जाता है और उसी को आगे बढ़ाया जाता है, है ना, उसी को प्रोत्साहित किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 28 सितंबर को, हर साल सितंबर में ये होता है और 28 सितंबर को इस बार
जयपुर में मान पैलेस में होने जा रहा है और आपके लिए खुशी की बात यह है कि इसके दो दिन पहले एक डांस कॉम्पिटिशन इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन होता है जो कि स्टेट लेवल होता है, ये भी वहां पर होने जा रहा है जन टीवी ऑडिटोरियम में। बहुत सारे बच्चे पूरे राजस्थान से पार्ट लेते हैं, एक स्कूल से एक ही टीम पार्ट लेती है, मिनिमम 10 बच्चे एक टीम में होने चाहिए जो कि डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं। जो बच्चे आगे तक जाते हैं फर्स्ट और सेकंड विनिंग रहते हैं, उनके लिए क्या रहता है मैं आपको बताऊंगा। मतलब जो टीम फर्स्ट आती है उसको 25,000 रुपए कैश प्राइज और ट्रॉफी दी जाती है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की ओर से, और जो सेकंड रहती है टीम उसको ट्रॉफी और 11,000 रुपए कैश प्राइज दिया जाता है। उसके साथ ही जो थर्ड रहता है उसको ट्रॉफी दी जाती है। लेकिन यहां पर हमारी बात खत्म नहीं होती है, इसी के साथ जो टीम फर्स्ट और सेकंड आती है उन्हें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रिटी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो आप लोग करना चाहेंगे ना परफॉर्म? अगर आप में प्रतिभा है, कुछ करने का जुनून है, तो आप करना चाहेंगे ना परफॉर्म? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। चलो अच्छी बात है कि आप लोगों में बहुत सारी एनर्जी है। चलो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट बच्चे और इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे इतने अच्छे आचरण आपको सिखाए जाते हैं, इतना अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं। मैंने भी देखा आपकी प्रार्थना चल रही थी यहाँ पर, सभी इंस्ट्रूमेंट बराबर बज रहे थे, सारे बच्चे बराबर प्रार्थना कर रहे थे, जबकि सभी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी लोगों को। हम जिस धरती पर रहते हैं, संस्कृति और कला की भूमि, शैलियों की भूमि, वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान, इतना प्यारा शब्द है। तो राजस्थान का मतलब आप में से कोई जानता है? हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ स्टूडेंट्स। ओके, चश्मा लगा हुआ, आ जाइए स्टेज पर, आ जाइए दोनों के लिए। आंसर देना, सही देना या नहीं देना, ये गलत बात होती है, लेकिन मंच तक आना एक बहुत बड़ी बात होती है। वाची बुद्धिम भरत भरत कि राजस्थान का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे ना सर? राजा ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मतलब पुराने जमाने में बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे राज किया था, इसलिए इसका नाम राजस्थान पड़ा। इसका नाम राजस्थान पड़ा। वेरी गुड, एक बार थोड़ा पहले के लिए बिल्कुल सही आंसर है। और हम इनको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे, ये पीका जी की तरफ से है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आपको पता है अपने कोटा को एजुकेशन सिटी कहते हैं? क से कोटा, क से कचोरी, क से कोचिंग, है ना, बहुत सारी चीजें फेमस है, लेकिन राजस्थान में क्या क्या है वो आप सभी जानते हैं ना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी सिटी है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है? एनीवन? आ जाइए, अच्छा आप आ जाइए, चलिए आ जाइए। वेरी गुड, एक नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया हमारे सामने, एक बार दोनों ताले हो जाए। ऐसे चलते पर ऐसे जरूर को मैं सलाम करता हूँ, और मैं भारती से आशीर्वाद चाहूंगा कि ऐसे लोग जो हमारी संस्कृति से निकलते हैं, ऐसे हमारे नाम रोशन करते रहे, हमारे स्कूल का, हमारी जगह का, हमारे राजस्थान का और हमारे देश का। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका नाम क्या है? नियति। ओके नियति, आप बताएंगे ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, कौन सी सिटी को ब्लू सिटी कहा गया है राजस्थान? आई गेस इट्स अ रॉन्ग आंसर। सोचिए थोड़ा सा, नहीं, चलिए आप यहां पर आए इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन आप इसको याद करिएगा, ठीक है? अभी जाकर अपने टीचर से पूछिएगा। और आपने आंसर दिया है बहुत ही जज्बे के साथ में, जुनून के साथ में आप यहां पर आए, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। पीका जी की तरफ से आपको छोटा सा गिफ्ट जरूर दिया जाएगा, नियति के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे आंसर देते रहे और मंच पर आते रहे, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वॉल कहां पर है, कौन सी वॉल है? एनीवन? यस, यू, यस, कम फास्ट प्लीज, आ जाइए।
आ जाइए। अच्छा आप पहले अपना नाम बता दीजिए। नंदिनी। नंदिनी आपको पता है राजस्थान में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मॉल है कहाँ पर है आप बताना चाहिए? वेरी गुड, इट्स द राइट आंसर। दोनों पहले हो गए। अच्छा तो इनके लिए भी गिफ्ट बनता है। मैं चाहूंगा इसको छोटा सा बड़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू नियति। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इट्स द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता है बॉलीवुड की फर्स्ट मूवी कौन सी थी? अच्छा अभी आप आ जाइए, आ जाइए मंच पर। यार एक बार दोनों तालियों से उनके लिए। अच्छा आपका नाम? आंसर देने आए हैं आप, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा दोनों साथ में आंसर देंगे, ठीक है। फर्स्ट मूवी कौन सी थी दोनों साथ में? वन टू थ्री स्टार्ट। नहीं ऐसा रॉन्ग आंसर। आपके लिए छोटा छोटा गिफ्ट दोनों के लिए। Thank you.
आप दोनों साल में ऐसे ही आप आते रहे और आपका उत्साह उधर होता रहे और ऐसे ही प्यार प्यारे स्टूडेंट्स पूरे देश में नाम रोशन करें। एक और प्यारा सा स्टूडेंट सिंगिंग के लिए यहाँ पर है, थोड़ा क्यूट नहीं है? अरे अरिंदम पानी, वेरी गुड, नाम भी आपका बहुत अच्छा है। अरिंदम का मतलब क्या होता है? शत्रु का विनाश करने वाला, वेरी गुड। छोड़ना चाहिए अरिंदम के लिए। अच्छा आप अरिंदम, ठीक है अरिंदम, आप
आपसे, आप कहाँ पर जीते हैं? कहाँ पे? महावीर नगर में। अच्छा, जीते बोल। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा डांस किया उन्होंने, और इनको भी छोटा सा प्यारा सा बड़ा सा लड़का सा मुला सा टीका जी पुत्र और एक प्यारे जी परफॉर्मेंस दे रखे बीच में ताकि वो और मजबूत हो सके। मैं हूं श्रेयस सरपदे और मैं आ रहा हूं गुलाबी नगरी जयपुर में 28 सितंबर को राजस्थान फिल्म फेस्टिवल को होस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी जरूर आएंगे और हम सब मिलकर बनाएंगे इस रंगीन बेहतरीन शाम को और भी यादगार। तो मुझे इंतजार रहेगा आपका इस बीकाजी असली बीकानेरी प्रेजेंस ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 7th अवार्ड सेरेमनी पावर्ड बाय सिद्धि अनंत ग्रुप एंड IOCL सर्वो को पावर्ड बाय JK मसाले की रंगीन दुनिया में जहां हम जिएंगे हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स को एक साथ। स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड मार्क योर कैलेंडर्स 28th सितंबर 2019 एट मान पैलेस। सी यू ऑल, आई लव यू ऑल, जय हिंद। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, नई सोच नई दिशा।